हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रहस्य पाई। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि डिज्नी बायजूस ऐप पे कैसे गेम खेल सकते हैं, या अपने बच्चे को कैसे गेम खिला सकते हैं और काफ़ी मजे कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही, पर बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि सबसे पहले वीडियो मिले आपको। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ हर एक चीज़ जो इस वीडियो के टाइटल में है। यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है सबसे पहले डिज्नी बायजूस ऐप और फिर लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ सम आएगा, तो 4, 5, 20 होता है। ओके, यहाँ पर 20 हो गया, अब ये खुलने लगा है। ओपन करने के बाद आपको कुछ भी चूज़ करना है, जैसा गेम आप अपने बच्चे के लिए खेलना चाहते हैं। ये सारे माइंड बढ़ाने वाले गेम्स होते हैं, मतलब इन गेम से आपका बच्चा कुछ सीख सकता है या फिर आप भी कुछ नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब्स, एडवर्ब्स, तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि 11 वीडियोज़ हैं और 6 गेम्स हैं। यहाँ पर नाउंस एंड प्रोनाउंस में 14 वीडियोज़ हैं, 12 गेम्स हैं। तो चलिए, वर्ब्स एंड एडवर्ब्स खोल दिया है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा गेम्स का, तो गेम्स पर क्लिक कर लेना है आपको। और फिर यहाँ पर कोई सा भी गेम आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे फेवरेट की हिस्ट्री में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर चलिए एक गेम पर मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक गेम पर क्लिक करके दिखाता हूँ, इसमें वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना होगा सेंटेंसेस में। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर वर्ड को फाइंड करना होगा इसमें। तो यहाँ पर वर्ड क्या है? डिजाइंस, ठीक है, जो काम है वो डिज़ाइन। तो डिज़ाइन पर क्लिक कर दिया और ये ठीक गया। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस आ गया, तो इसमें वर्ब क्या है? इन्वेंट्स। तो इन्वेंट्स पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, और ये राइट आंसर है। अब यहाँ पर मैं एक गेम जीत चुका हूँ, वेल्टन लिख के आया है। तो मतलब आपका बच्चा बहुत चीज़ें सीख सकता है, ये ऐप काफ़ी बढ़िया है आपके 3 साल के बच्चे के लिए, 4 साल के, 5 साल के, तो आपका बच्चा जितना भी छोटा हो। और इससे बड़ी बात क्या है कि अगर कोई इंसान दोबारा कुछ भी मतलब सीखना चाहे, कुछ भी उसका मन हो कि बाद में वो शुरुआत से करे, या किसी की इंग्लिश कमज़ोर है तो वो इंग्लिश इससे सीख सकता है, या किसी की मैथ्स कमज़ोर है तो वो बेसिक लेवल पर इस ऐप से सीख सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है इस ऐप की। तो मैंने फेवरेट में उसे ऐड किया था, तो फेवरेट पर ऐड करने पर या क्लिक करने पर यहाँ पर फेवरेट में मिल गया मुझे क्लियर्स विलेज का। तो यारों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा।